सो ऑस्ट्रेलिया नूं लैके कई स्टूडेंट्स दे सवाल बने हुए ने, जिन्हां नूं कि खास तौर ते यूनिवर्सिटीज़ दी ईमेल आ रही है कि तुसीं अपनी फाइल जिहड़ी है विदड्रॉल करा लो। आखिर की रीजनस ने, किहड़े स्टूडेंट्स नूं किहड़ियां प्रोफाइल्स नूं इह ईमेल आ रही है। सो तुसीं वी बड़े ध्यान दे नाल अज्ज दी वीडियो वेखणी है ते सुणनी है, क्योंकि बहुत खास गल्लां अज्ज असीं डिस्कस करन जा रहे हां। नाल दी नाल जीटी प्रोसैस दी वी गल करांगे, ते की जीटी क्लीयर होण दा मतलब समझिए कि ऑस्ट्रेलिया तों वीज़ा आएगा ही आएगा। सो एक क्लैरिटी पूरी अज्ज तुहानूं असीं इस वीडियो दे जरिए देण जा रहे हैं। मैं हाँ हरजोत कौर, तो अज एक खास जानकारी तो सांझी करन जा रहे हैं जी टी वीजा तो अब्रॉड एजुकेशन एडवाइजर हरप्रीत कौर साढ़े नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है हरप्रीत। सत श्री अकाल जी सारे जी। सो हरप्रीत, मैं इतने गल करूँगी कि जिमें आप वीडियो तो पहला भी आपस डिस्कस कर रहे थे गल कि कुछ स्टूडेंट्स जो है ईमेल्स हूँ आ रही ने कि अपनी प्रोफाइल जी अपनी फाइल विदड्रॉल करा। सो मैं ये पूरी चीज़ समझना चाहूँगी, तो स्टूडेंट्स भी मैं चाहूँगी कि तुम इस चीज़ में लैके पूरी क्लैरिटी जरूर दो। बिल्कुल, इस टाइम के उत्ते बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे को ईवन कॉल्स भी आदि ने, ईवन लाइव कॉल्स के उत्ते भी स्टूडेंट बोलते हैं कि साड़ी यूनिवर्सिटी सानू ईमेल कर रही है कि असी तुहानू रिकमेंड करते हैं कि तुसी अपनी फाइल नू विदड्रॉ करा लो, जस्ट बिकॉज वीज़ा रिफ्यूजल रेट बहुत हाई है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का। तो इस मैं यूनिवर्सिटी की गल कर लूँगी, फैडरेशन यूनिवर्सिटी, वैसटन सिडनी यूनिवर्सिटी, जिन्हों ने कि 5 रीजनस नू बैन किया होया करंटली, वो यूनिवर्सिटीज़ ने जिन्हों सी ओ इशू करती उन्होंने ईमेल पा रही है कि तुसी अपनी फाइल नू एम्बेसी दे विच ना लगाओ तो विदड्रॉ करा लो एंड तुसी अपना रिफंड ले लो। तो इस टाइम के उत्ते स्टूडेंट ईमेल्स पढ़ के कितने ना कितने उन्होंने अंदर डर भी है कि शायद जो मैं फाइल लॉन्च करती तो कल मेरा रिफ्यूजल आ जाऊगा, एंड कितने ना कितने स्टूडेंट एक्चुअली कन्फ्यूज हो रखे कि मैं ऑलरेडी एंड स्टेज के उत्ते बैठा, स्टिल मैनू यूनिवर्सिटी हूँ बिल्कुल एंड पॉइंट के उत्ते आके बोल रही है कि तुम अपनी फाइल में विदड्रॉ करा लो, तुम लॉज ही ना करो अपनी एप्लीकेशन। तो मैं यही चीज़ बोलूँगी कि स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होने की लड़ नहीं है, क्योंकि कितने ना कितने वो यूनिवर्सिटी सिर्फ अपने लिए सोच रही है कि कितने स्टूडेंट का जो रिफ्यूजल आ गया तो शायद मेरी रैंकिंग होर कट जाएगी, या मेरी जो ऑडिटिंग है ऑडिटिंग मेरी अच्छी रैंकिंग नहीं आएगी यूनिवर्सिटी की। तो तुम बेफिक्र होकर अपनी फाइल में लॉन्च कराओ, टेंशन ना लो, फाइल विदड्रॉ ना कराओ यूनिवर्सिटी के कैंड के उत्ते, जो तुम्हें लगता थोड़ा केस बहुत अच्छा हैगा एंड तुम एकेडमिकली बहुत अच्छे हो, आयल्स स्कोर थोड़ा बहुत अच्छा हैगा, तो तुम अपनी जो है जी टी क्राइटीरिया मीट करते हो तो अपनी फाइल में जरूर लगाओ यूनिवर्सिटी के कैंड, तो अपनी फाइल में विदड्रॉ ना कराओ, क्योंकि यूनिवर्सिटी सिर्फ अपने पक्ष ले रही है कि मेरा मेरी यूनिवर्सिटी की नैगेटिव इंपैक्ट ना पै जाए कि कल जो स्टूडेंट का रिफ्यूजल आ गया। बट स्टूडेंट्स नॉर्मल फाइल लगान, क्योंकि उन्हें यूनिवर्सिटीज़ के वीज़े आ रहे हैं करंटली, सिर्फ तुसी एक जी टी क्राइटेरिया ही मीट करना एंड जो इस टाइम के उत्ते एम्बेसीज जिन्हों चीज़ों लैके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैगी है, सिर्फ तुसी ओ पॉइंट्स नू कवर करना। तो वह पॉइंट्स मैं थोनू नॉर्मल वैसे दस ही दिनी हाँ कि सब तो पहला पॉइंट जो हैगा रिफ्यूजल दे विच, जो बेसिकली इस टाइम के उत्ते ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी जो है लिख के दे रही है स्टूडेंट नू, एक तो हैगा उन्होंने इनसेंटिव के उत्ते कि तुसी अपनी होम कंट्री दे विच वापस नहीं आना, तो तुसी अपनी होम कंट्री अपना स्ट्रोंग इनसेंटिव जो है मैनशन करना एस ओ पी दे विच कि तुसी अपनी होम कंट्री दे विच वापस की वापस आऊंगे एंड इत्थे तुहाडे लई बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होणगीआं, जदों भी तुसी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी तो ग्रैजुएट होकर इंडिया वापस आऊंगे तो तुहाडे लई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होणगीआं। एंड सेकेंड जो रिफ्यूजल इस टाइम के उत्ते देखने आ रहा है कि जिथे किते ना स्टूडेंट ने एस ओ पी लिखी हुई है, बट स्टूडेंट ने एस ओ पी दे विच जो हैगा अपना एविडेंसिस प्रूफ्स नहीं दिते हुए, जे उन्हां कोई अपॉर्चुनिटी इंडिया दे विच अवेलेबल हैगी भी है तो स्टूडेंट्स ने कोई एविडेंस प्रूफ नहीं दिता, कोई एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट बारे नहीं लिखिया, सिर्फ स्टूडेंट ये लिख रहे हैं कि टॉप 10 जो हैगी है टॉप 10 कंपनीज हैगी उनके विच मैं अपनी एम्प्लॉयमेंट लभ सकता, बट कितने ना कितने स्टूडेंट जो हैगा अपनी एविडेंसिस प्रोवाइड करता है जिथे कि तुसी बहुत सारे लिंक्स शेयर कर सकते हो इंडीड के उत्ते, पर्टिकुलर कंपनी की वैबसाइट के उत्ते जाके जो वैकेंसीज हैगी उहदे विच तुहानू पता ही हुंदा कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की हुंदी है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की, तो तुसी उह पढ़ के जो हैगा उहदी पोस्ट लगा सकते हो कि मैं ये वाली वैबसाइट्स चेक कीतियां सीगे टॉप कंपनीज दियां, तो वह इस जे मैं एडुकेशन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी तो करूँगा तो मेरे लिए जो हैगी है कंपनी मैनू हायर कर सकती है, क्योंकि कंपनी इदां दी प्रोफाइल्स नू हायर कर रही है एंड बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैगी है फ्रैशर्स नू भी रखते हैं एंड थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर हैगा उन्होंने भी अपने को ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग जरूर अपने को देंगे ने। तो स्टूडेंट जो भी अपनी एस ओ पी के अपने अपॉर्चुनिटीज़ बारे लिख रहे करियर अपॉर्चुनिटीज़ बारे अपने एविडेंसिस जरूर लिखो कि तुसी उस किस आर्टिकल नू पढ़ के तुसी ये सोचा कि इस पर्टिकुलर कंपनी के मैं ऑस्ट्रेलिया तो आके
अपनी एम्प्लॉयमेंट देख सकदा। इस चीज़ के उत्ते स्टूडेंट नूं ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली थर्ड जो स्टूडेंट का रिफ्यूजल आ रहा है कितने ना कितने वो आ रहा है कोर्स रेलेवेंसी के उत्ते। अपनी कोर्स रेलेवेंसी नूं जरूर देखो क्योंकि मैं बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट बहुत ही जेनेरिक प्रोग्राम ले लेंदे ने। इस मैं बड़ा अच्छे एक एग्जाम्पल दूंगी कि बीए वाला स्टूडेंट जिन्हें कि पॉलिटिकल साइंस एज एन सब्जेक्ट रखा हुआ सी तो स्टूडेंट इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट या इंटरनेशनल ट्रेड ले या इंटरनेशनल रिलेशनशिप ले इंटरनेशनल रिलेशन प्रोग्राम ले ऑस्ट्रेलिया पढ़न जा रहा है। बट जे कि ना कि आप इस प्रोग्राम के करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखिए इन फ्यूचर दे विच तो कितने ना कि पब्लिक सैक्टर के ज़्यादा है गया, बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं हैगी उस अपॉर्चुनिटी की कि तुम किसी भी इंडस्ट्री के जाके काम कर लोगे। तो ट्राई करो कि अपने इदा के प्रोग्राम ना लो कि जिदा कि इंडिया के भी ज़्यादा स्कोप ना होवन ऑस्ट्रेलिया के तो वह स्कोप होएगा नहीं इन्ना बट इंडिया के भी वह स्कोप नहीं है। तो अपने प्रोग्राम वो चूज करो जिदा स्कोप की वर्ल्ड वाइड हो सो दैट कि तुम अपनी एस ओ पी के विद एविडेंसिस लिख सको कि मैं इन पूरे वर्ल्ड के जिते भी काम करूँगा मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। सो कोर्स चूज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बी ए पोलीटिकल साइंस वाला स्टूडेंट वो इंटरनेशनल रिलेशन लिए ना जाए उधर ले जाएगा तो कितने ना कितने उधर ही अपने आप नूं जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही है। सो इन गल्लां दा तुसी ध्यान जरूर रखना है जेकर तुसी ऑस्ट्रेलिया बारे सोच रहे हो। तो स्टूडेंट्स नूं नहीं कहना चाहांगे कभी भी कोई भी स्थिति यह जी बने जिथे तुहानूं लगता है कि हुण असीं की करिए तो एक चंगे कंसल्टेंट की उत्थे सलाह लैनी बहुत जरूरी है। कोई डाउट है तुहाडा अपना भी प्रोफाइल नूं लैके या अपलाई करन नूं लैके तो तुसी इस नंबर पर कॉल जरूर कर सकते हो, पूरी इनफॉर्मेशन तुसी लै सकते हो। तो कमेंट सैक्शन में भी तुसी अपने सवाल जरूर ड्रॉप कर सकते हो। बहुत बहुत थैंक्स हरप्रीत, काफ़ी खास चीज़ा। सो ये कन्फ्यूजन जी ईमेल्स आ रही सी यूनिवर्सिटी तो इसनों लैके स्टूडेंट का सवाल जरूर बनया सी। सो भी तुसी बहुत चंगे ढंग स्टूडेंट्स नू गाइड किया उसनों लैके। सो अगों भी असी स्टूडेंट्स के लिए होर इनफॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आते रहेंगे। फिलहाल ही दिओ जी इजाजत, धन्यवाद, सत श्री अकाल जी।